अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो मैं आ चुकी हूँ ओशियन मॉल के सिनेमा मूवी देखने। मूवी का नाम टकसाली गेट एंड इट वाज अमेजिंग मूवी। ये मूवी आयशा उमर एंड यासर हुसैन इसमें हीरो हीरोइन है। ये वुमेन डे में रिलीज की गई थी। इस मूवी में वुमेन को सपोर्ट किया गया तो उस हवाले से ये मूवी बनाई गई। आप लोग भी देखना। तो यहाँ पे मूवी का इंटरवल हो गया, हम बाहर गए और देखा जब बाहर आयशा उमर हमें यहाँ मिल गई। आयशा एक्ट्रेस से मिल रहे हैं आपकी। अभी अभी हमने हाफ मूवी देखी लेकिन बहुत बहुत आउट क्लास एक्टिंग की आपने और बहुत बहुत मजा आया। थैंक यू। अच्छा भाई, मेरे कैमरामैन को भी अपने राय दे दो। अब क्या लेंगी कि आज की टेक्सली गेट अपनी फैमिली के साथ हम देखने आए हैं, क्या सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि थ्रू मूवी में आयशा उमर ने एक्टिंग बहुत ही ज्यादा आउट क्लास और मतलब मूवी देखने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि हमारी पाकिस्तानी मूवीज भी इतना आगे जा रही है इंडियन मूवीज की तरह। तो उनकी बहुत अच्छी चीज़ है कि हम किस सिनेमा में हमारे नाम होगा पाकिस्तान में और हम इतने आगे जाएंगे। बिल्कुल, मैं उनकी फैन हूँ बहुत और उनकी एक्टिंग भी बहुत मजे की है। फुल मज़ा आ रहा है मूवी देखने में। ठीक है, यहाँ पर आयशा उमर अपनी मूवी को प्रमोट करने तो आई थी, साथ ही साथ उन्होंने अपने फ्रेंड्स से भी मिली और बहुत अच्छी तरीके से मिली। मतलब यहाँ पे उनसे मिलकर लग रहा था कि उनमें किसी किस्म का भी एटीट्यूड नहीं। और खुद 8 मार्च था, वुमेन डे था, तो इसमें आयशा उमर ने सबको डिस्काउंट वाउचर दिया अपने ही आयशा उमर ब्रांड का 15% ऑफ पर। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट वाउचर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तो हमने भी वो लिया और उसका फायदा भी उठाया। हम भी जाके शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे मूवी स्टार्ट होने वाली थी कि अभी हमने हाफ मूवी देखी और आयशा उमर ने यहाँ पे हमें बता दिया कि एंड बहुत क्लासिक होने वाला है, एंड जाके देखो जल्दी। तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लिया और हम अंदर। मैंने आज तक किसी तगड़े आदमी को सजा होते नहीं देखा। वैसे भी ना, जब से तुमसे शादी हुई ना, जरा करनी है रेडी? जब आप रेडी हो जाओ। ठीक है मुस्कान जी, अब ये तो बताएं कि आपका जैनब के साथ क्या रिश्ता है? कोई जो माँ का बेटी से होता है। आप लोग बाद इंतजार करें, मैं कुछ देर में फैसला सुनाता हूँ। कितनों के ये कर्जदार हक न जाने का मिले इन गर्ज है तुझे उनकी इंसाफ खुले दान में खुदा भी देखता अर्जी खुदाओं के ये मांग रखो इत्तेफाक तेरे फैसले फजूल है तोल में ईमान नहीं या तराजू खराब है इन खुद से है सवाल ये इनके पास नहीं। ये वाले सीन की वजह से मूवी में मजा आया था। जब आप शुरू से देखोगे तो आपको आइडिया होगा। यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो चुकी थी तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं, काफी भूख लग गई थी तो हम देखते हैं कि अभी हम क्या खाते हैं, आ जाएं। जैसे कि बहुत से लोगों ने ना KFC और मैकडोनल्ड का बाइकआउट किया हुआ जो कि बहुत अच्छी चीज है, तो उसके रिप्लेस में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कबाब जी फ्राइड चिकन। मैंने यहाँ से खुद खाया है तो मैंने सोचा इसका ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ ताकि जो लोग KFC नहीं खा पा रहे और उनका दिल चाह रहा है खाने का तो ये ट्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रंच बर्गर लिया था जो कि अच्छे थे, इनकी सॉस भी अंदर से अच्छी है। अगर आपके पास है काफी और वैरायटी है तो और वैरायटी और ज्यादा अच्छी है तो आप वो भी खा सकते हो। गरम गरम फ्रेश था तो मुझे मजे का लगा। साथ इनका ब्रोस की ये अच्छी चीज थी कि फुल ना जूसी थे और मजे के थे, अंदर ना नमक का जायका आ रहा था, मतलब सही से अंदर मसाला लगा हुआ था। ये चीज अच्छी थी, आप जरूर खा सकते हो। बस यहाँ से मेरी वापसी हो रही थी, यहाँ पर बस मैं वेट कर रही थी कि जैसी मेरी कार आती है हम बैठते हैं और फिर घर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कार आ गई, हम आराम से बैठ गए और फिर हम लोग जैसे ही कैंट में एंटर हुए हम लोग फ्रेडी फूडी स्ट्रीट चलते हैं, चाय पी लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम व्लॉग एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में रमजान की सीरीज के साथ। Take a body's high.